हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैगन भरता की रेसिपी, जो कि बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, फटाफट से बन के रेडी भी हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन है इसे भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई रेसिपी का वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मैंने यहाँ पे बैगन लिया है, बैगन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके बाद इसमें कट लगा लेंगे। कट लगा के अब देख ले कि इसके अंदर कीड़ा है कि नहीं। इस तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं। बैगन भरता के लिए आप जब भी बैगन लें, बैगन बहुत ही हल्का होना चाहिए। अगर बैगन टाइट है या फिर बहुत ज़्यादा भारी है, इसका मतलब उसमें बहुत सारा बीज है। बीज बैगन भरता में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बैगन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ताकि इसके छिलके आसानी से निकल जाए। बैगन रोस्ट कर लेंगे, तो गैस की फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी। इसके बाद इसमें बैगन ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मैश कर सकते हैं। बैगन को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे और 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि बैगन में मसालों का सारा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव। इसमें आप बहुत सारा धनिया पत्ता डालें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। आप चाहें तो जीरा की जगह आप गरम मसाला भी यूज कर सकते हैं। इसमें से धनिया पत्ता की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, धनिया पत्ता तो आप जरूर डालें इसमें। भरता रेडी है, आप गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।